कबीरदास जी कहते हैं, हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका मन भी शीतल हो जाए। बुराई ढूंढने देखने वाले मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं होते, अतः हमें चाहिए कि हम स्वयं अपने भीतर झांके और अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयास करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हैं जिन्होंने गोविंद से हमारा परिचय कराया है। कहते हैं कि सभी लोग विपदा या दुख की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं और दुख से दूर होते ही भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख के समय भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होगा ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो, आज ही कर लो और जो आज करना है उसे अभी ही कर लो। अगले ही पल में अगर प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना है वो कब करोगे। कुछ हो वे माली से
कबीरदास जी ने इस दोहे में धैर्य की महिमा बताई है। हर कार्य अपनी गति से ही करना चाहिए। जिस प्रकार भले ही माली पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, पर फल तो सही ऋतु आने पर ही लगते हैं। उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए संसार की मोह तृष्णा आदि में नहीं फंसना चाहिए। कबीरदास मनुष्य के अहंकार के बारे में कहते हैं। माटी कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्यों रौंद रहा है? एक दिन ऐसा आएगा जब यह तेरा मानव शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाए। बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामना और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, चाहे राजा हो या फकीर। अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया तहां धर्म है, जहां धर्म है और जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ सर्वनाश, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पेड़ की भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया मिलती है, ना फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं, अर्थात बड़प्पन से किसी का लाभ नहीं होता। माला फेरत जुग भया, हेरा ना मन का फेर। माला फेरत जुग भया, हेरा ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का माला लेकर तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो। जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में तारे छिप जाते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा। देखकर यानी लोगों की जिंदगी चलती देखकर कबीर साहब को रोना आता है। जिंदगी और मौत, ये दो पाटो यानी कि चक्की के दो पत्थर के बीच में सभी को पिसकर एक दिन खत्म होना है। संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं।
अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं, जब तक मैं अर्थात अहंकार था, तब हरि का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हरि के साक्षात्कार से अहंकार खत्म हो गया। जब दीपक रूपी ज्ञान मिला तो अहंकार रूपी अंधियारा खत्म हो गया। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर रूठ जाए तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो दुनिया में कहीं कोई सहारा नहीं है। कबीर कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम के ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले तो वह सच्चा ज्ञानी होगा।